हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू ब्लॉग। ईद के बाद मुझे सबसे ज्यादा जो इंस्टा पे रिक्वेस्ट आई वो ये आई कि ओवर ईटिंग हमने ईद पे बहुत ज्यादा कर ली है, तो प्लीज मैम हमें कोई वेट लूज के लिए टिप्स बताइए जो हम इजीली करें और हमारा वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए। और क्योंकि ईद के बाद मंडे से होने वाली है हमारी रूटीन लाइफ शुरू, तो जिम और एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त से हैक्स जो आपका वेट लूज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो करना आपने ये है कि अपनी आपने अपनी रूटीन लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जो कि आपकी हेल्थ एंड फिटनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देख रहे हैं ग्लो अप और मैम फायदा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये आप जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लिफ्ट के जरिए ऊपर नीचे आते हैं, ये लिफ्ट का यूज बिल्कुल ही बंद कर दें और स्टेयर्स के जरिए ऊपर और नीचे आए। कम से कम एक दो मंजिल स्टेयर्स के जरिए ऊपर और नीचे आने से आपकी एक्सरसाइज भी होगी, वर्कआउट भी हो जाएगा और आप देखेंगे कि 1 से 2 माह में आपका वेट भी काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने आप अपने लाइफस्टाइल में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। एक मिस्टेक जो हम सबसे ज्यादा करते हैं सुबह के टाइम, जब हम जा रहे होते हैं स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो हम लेट हो रहे होते हैं, तो हम कहते हैं नाश्ते को मारो गोली हमारी तो बस छूट जाएगी, तो चले हम जल्दी से निकलते हैं स्कूल या कॉलेज जाके नाश्ता कर लेंगे या लंच टाइम में लंच कर लेंगे कोई चीज बाहर से लेके। तो दोस्तों ये आप बिल्कुल भी ना कीजिए। सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लंच और डिनर भले ही आप स्किप करते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो आप दुगनी तेज़ी से मोटे होते हैं। ओह एक्सक्यूज मी गाइस, मेरी कॉल आई है, मैं ज़रा कॉल लेके फिर आपको टिप नंबर 3 बता दें। तो टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का, क्लोज रिलेटिव का की कॉल आती है जिससे कि आपको पता है आपने आधा घंटा 1 घंटा तो आराम से बात करनी है, तो आप बजाय इसके कि बिस्तर पर लेट के या सोफे पर बैठ के उसकी कॉल रिसीव करें, अपने जहन में ये बात तय कर लें कि जब इस बंदे या बंदी का फ़ोन आना है हमने इसकी कॉल बैठ के या लेट के रिसीव नहीं करनी बल्कि हमने चलते फिरते इसकी कॉल को रिसीव करना है। इससे क्या होगा, आपकी वॉक भी हो जाएगी, आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और आप बात भी कर लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने वर्कआउट कर लिया है। तो चलते हैं अपने हैक नंबर 4 की तरफ। आप कह रहे होंगे कि मैं प्लेट्स लेके क्यों खड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर करें तो हमेशा छोटी प्लेट का यूज़ करें। जब आप बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं तो आप फुल प्लेट भर लेते हैं और आपके दिमाग को लगता है कि भी हमने बहुत ज़्यादा खाना खा दिया है और एक्चुअली में आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, लेकिन वही खाना अगर आप छोटी प्लेट में डाल के खाएंगे तो आपकी ब्रेन सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी कि हाँ हमने प्लेट भर के खाना खा लिया है और आपकी ईटिंग पे भी कंट्रोल आ जाएगा। तो मीन्स ये कि खाने के लिए प्लेट का साइज बहुत ही मैटर करता है। अगर आप अपना साइज कम करना चाहते हैं वो भी लेजी होके। नेक्स्ट हैक ये है कि अगर आपने अपना कोई शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैंने डेली वॉक करने जाना है या जिम जाना है और आप किसी दिन अपनी लेजीनेस की वजह से नहीं जा पा रहे तो आप बिल्कुल भी अपने वर्कआउट को स्किप नहीं कीजिए। आप करिए ये कि आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं उठें और टेबल चेयर साइड पे करें और वहीं पे खड़े होकर तो जॉगिंग शुरू कर दीजिए। पर ये भी आप नहीं कर सकते लेजीनेस की वजह से, तो आप करिए ये कि आप लाइट सा कोई म्यूजिक लगा दीजिए और अपने हैंड फ्री लगा दीजिए अपने कानों में और वर्कआउट शुरू कर दीजिए, डांसिंग स्टाइल में शुरू कर दीजिए थोड़ा बहुत, तो उससे भी आप एंजॉय भी करेंगे और आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट हैक ये है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं तो कोई ऐसी चीज़ इनटेक कीजिए जिससे कि आपकी फैट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प हो। आपने बहुत बार सुना होगा और मेरे भी ये रेगुलर रूटीन का हिस्सा है, मैं सुबह उठ के 1 गिलास पानी गर्म करके उसमें 1/2 लेमन और अगर शहद हो तो शहद का 1 छोटा चम्मच डाल के तो वो मैं लाजमी पीती हूँ। इससे आपके फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट है कि इसके जब हम अपना कोई फेवरेट ड्रामा सीरियल देख रहे होते हैं तो रिमोट हमारे हाथ में होता है और जैसे ही ब्रेक आती है हम दूसरे चैनल पे लगाते हैं, वहाँ पे ब्रेक आती है तीसरे चैनल पे लगा देते हैं। तो अगर हम एक चीज़ को अपनी हैबिट में शामिल कर लें कि भी जब हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल में ऐड आएगी तो हमने चैनल चेंज नहीं करना बल्कि हमने कोई हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, चाहे वो आर्म्स की हो नेक की हो कोई भी एक्सरसाइज जो आपको उस टाइम ज़रूरत हो आप बैठे बैठे लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं। जैसे ये आप नेक के लिए भी कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं।
ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि अगर आपको आपकी रूटीन लाइफ बहुत बिजी है और आपको वर्कआउट का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सारा दिन, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलने वाला। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स को कहिए नो, और आप अगर आपका फ्लेवर्ड वाटर पीने को दिल करता है तो आप ग्लूकोज डाल के पी सकते हैं या आप टैंग भी पी सकते हैं, एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक्स से तो कम ही नुकसानदेह है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रेश जूस पिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जूस पिए, फ्रेश जूस। जब भी आपको प्यास लगती है तो आप ग्लास में पानी लेते हैं और पीने लग जाते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप दिन में कम से कम 2 बार उस पानी को हल्का सा गर्म करके तो फिर उसे अगर आप पीते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है वेट लूज के लिए, फैट लूज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। नीम गर्म पानी पीने के बहुत ही फायदे हैं आपकी हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, ये बेस्ट है। और जब भी आप गर्म पानी पिए तो खड़े होके ना पिए, सुन्नत रसूल है कि पानी बैठ के ही पीना चाहिए, और आप भी आराम से बैठें और आराम से जैसे गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हैं वैसे ही गर्म पानी को पीजिए। और फिर देखिए जब आप सोने जाते हैं तो आपको पूरे घर की लाइट्स ऑफ करनी चाहिए कर देनी चाहिए, अच्छी तरह घर में अंधेरा करके फिर सोना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह डरपोक हैं और आप लाइट्स ऑफ नहीं करते तो आप मार्केट से एक ब्लाइंड फोल्ड मिलता है, आप वो अपनी आइज पे लगाइए और आराम से सो जाइए। आप मार्केट से भी ले सकते हैं या आप घर में भी स्टिच करके कोई ऐसा आइज पे बांधने के लिए ब्लाइंड फोल्ड बना लें, क्योंकि जब आप अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करते हैं अगर उसमें सोने से आपकी बॉडी स्लीपिंग हार्मोन्स खारिज करती है जिससे आपकी नींद अच्छे से पूरी होती है। जब आपकी नींद अच्छे से पूरी होती है तो इससे आपके आपका वेट लॉस भी होता है। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती तो ऑब्वियसली आप मोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज के आपको मेरे वेट लॉस हैक्स, और सबसे अच्छा हैक आपको कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।